हनीप्रीत डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार इन दिनों डेरा प्रमुख से मिलने के लिए बेताब है। लगभग 2 साल अंबाला जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आई हनीप्रीत ने अब सूबे के गृह मंत्री के दरबार में राम रहीम से मुलाकात किए जाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि सिरसा पुलिस द्वारा हनीप्रीत और राम रहीम की मुलाकात पर आपत्ति जताए जाने के बाद अब हनीप्रीत के नाम की अर्जी लेकर हनीप्रीत के वकील ने अनिल विज से मुलाकात कर सुनारिया जेल में बंद डेरा चीफ से हनीप्रीत को मिलने की इजाजत मांगी है। हाँ, बिल्कुल सही है कि बहन हनीप्रीत को बेल हुए इतने दिन हो गए हैं और वो लगातार इस प्रयास में हैं कि उनके डेरा चीफ संत गुरमीत राम रहीम जी से उनकी मुलाकात हो जाए। जेल भी प्रशासन करा लेकिन सिरसा पुलिस प्रशासन नहीं करा। इसी तारतम्य में हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मोहित गुप्ता संजीव इंसा के साथ यहाँ मिला माननीय गृह मंत्री जी को, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन है हरियाणा पुलिस। और क्या मैं इस बात को लेकर बड़ा भावुक अभी भी हूँ और माननीय गृह मंत्री जी के सामने भी था इस बात को लेकर कि क्या एक बेटी अपने पिता से नहीं मिल सकती, क्या अपना एक पिता अपने बेटी से नहीं मिल सकता है। कन्या बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आज बेटी इस इतना परेशान है अपने पिता से मिलने के लिए। इसलिए हमने गृह मंत्री जी से गुहार लगाई है, उनको बोला है, उनसे मिल के बताया है कि इस बारे में वो शीघ्र जितना कदम प्रभावशाली उठा सकें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, जब बेल हुए इतने दिन हो गए तो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके बाद से कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ, और फिर बेटी पिता से मिलती तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से डिस्टर्ब हो जाता। लॉ एंड ऑर्डर तो बनता है। डेरा सच्चा सौदा ने सदैव लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, कानून में विश्वास रखा है, न्यायपालिका में भरोसा रखा है और सबको शिक्षा यही दी कि कानून में भरोसा रखो। कानून कोई गैर कानूनी काम करने की तो वहाँ शिक्षा ही नहीं मिलती है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत जमानत पर जेल से बाहर है। 2 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आई हनीप्रीत राम रहीम से मिलने के लिए अब तरस रही हैं और शायद इसीलिए हनीप्रीत ने अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के सामने गुहार लगाई है। अंबाला से न्यूज के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।